अब देख रहे हैं पीडीसीपी लेयर, पैकेट डेटा कन्वर्जन प्रोटोकॉल। इस पे क्या होता है, इसमें बेसिक बेसिक इसका देख लेंगे कि मतलब ओवरव्यू पीडीसीपी लेयर में होता क्या है, सीक्वेंस ऑर्डरिंग और डेटा का ट्रांसमिशन कैसे होता है। मतलब कोई सपोज कोई एक ई नोड बी से दूसरे ई नोड बी में हैंड ओवर हो रहा है, तो कोई यूजर यदि हैंड ओवर हो गया तो ये जो बचा हुआ डेटा का डेटा ट्रांसमिशन होता है वो पीडीसीपी सीक्वेंस नंबरिंग सेंड करता है और उसके थ्रू होता है। तो बेसिक देख लेते हैं हम। फिर पीडीसीपी प्रोटोकॉल लेयर एग्जिस्ट इन यूई एंड ई नोड बी, मतलब दोनों के बीच में पीडीसीपी लेयर होता है। अपना यूई साइड भी होता है पीडीसीपी प्रोटोकॉल और अपना ई नोड बी साइड भी। इट इज पार्ट ऑफ एलटी एयर इंटरफेस कंट्रोल एंड यूजर प्लेन। द मेन सर्विस एंड फंक्शन ऑफ द पीडीसीपी सब लेयर ऑफ द यूजर प्लेन इंक्लूड्स हेडर कंप्रेशन एंड डी कंप्रेशन। हेडर कंप्रेशन एंड डी कंप्रेशन होता है आपका सीक्वेंस डिलीवरी ऑफ अपर लेयर पीडीयू एट पीडीसीपी री एस्टेब्लिशमेंट प्रोसीजर ऑफ आरएलसी एएम। ये मैंने आपको बताया ना कि सीक्वेंस ऑर्डरिंग इन सीक्वेंस डिलीवरी ऑफ अपर लेयर पीडीयू एट पीडीसीपी री एस्टेब्लिशमेंट प्रोसीजर फॉर आरएलसी एएम एक्नॉलेजमेंट रोल। डुप्लीकेट डिटेक्शन ऑफ लोअर लेयर एसडीयू एट पीडीसीपी री एस्टेब्लिशमेंट प्रोसीजर फॉर आरएलसी एएम। तो ये आपके कुछ हेडर कंप्रेशन में क्या होता है, इन सीक्वेंस डिलीवरी ऑफ अपर लेयर पीडीयू री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोअर लेयर। तो ये डायग्राम के थ्रू समझते हैं हम पीडीसीपी का फंक्शन क्या क्या, मतलब कौन कौन से फंक्शन होते हैं पीडीसीपी लेयर में। तो ये स्क्रीनशॉट लेके आप बाकी पढ़ लेना, इसमें क्या क्या होता है। ट्रांसफर ऑफ एसएन स्टेटस, सीक्वेंस स्टेटस, सीक्वेंस नंबर, ये बाकी जब हम आपका कॉल फ्लो पढ़ेंगे तो ये सब सारी चीजें आपको सब सारी क्लियर हो जाएंगी। अभी आपको 5-10% भी ये लेयर पढ़ा रहा हूँ मैं, जो अभी रेसियल की वीडियो बता रहा हूँ, तो ये 5-10% भी समझ में आ रहे हैं तो बहुत है। क्योंकि तो बाकी आने वाला टाइम जो में जो मेन पार्ट है वो आपका कॉल फ्लो है, आपका की कॉल फ्लो कैसे होती है और कॉल फ्लो में कौन कौन से कम्युनिकेशंस होते हैं, कौन सी आईज होती हैं, वो चीजें हैं। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं अपन कि क्या क्या होता है इसमें। तो ये देखो आप, सबसे पहले सपोज कर लेते हैं हम कि ये यूई साइड हो गया और ये इनोड भी साइड हो गया। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, सीक्वेंस नंबरिंग, हेडर कंप्रेशन। हेडर कंप्रेशन किस में होता है, ओनली यूजर प्लेन में, और डीकंप्रेशन भी यूजर प्लेन में होता है। पैकेट एसोसिएटेड टू पीडीयू एसडीयू, इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन, पहला तो सीक्वेंस नंबरिंग हो गया, हेडर कंप्रेशन दूसरा हो गया, इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन हो गया। इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन मतलब एक सिक्योरिटी की तरह है, ये जब कॉल फ्लो पढ़ोगे आप तो समझ में आएगा आपको। इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन जो होती है मतलब एक सिक्योरिटी की तरह की है ये इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन, मतलब कि कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए की होती है ये। साइफरिंग की, ये भी साइफरिंग डिसाइफरिंग ये भी एक की होती है। एड पीडीसीपी हेडर ऐड करते हैं, राउटिंग यूजर प्लेन ओनली, इस तरह से। फिर ये जब रिसीविंग साइड जाएगी तो रिमूव पीडीसीपी हेडर, डिसाइफरिंग होगी। तो आप इतना याद रखो कि यार पीडीसीपी लेयर में क्या क्या होता है। पीडीसीपी लेयर में आपका सिक्वेंस नंबरिंग हो गया, हेडर कंप्रेशन हो गया, इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन हो गया, साइफरिंग हो गया, ऐड पीडीसीपी हेडर, पीडीसीपी हेडर ऐड करता है, और ये राउटिंग। इतनी चीजें आप याद रख लो, ये आपके लिए सफिशियंट है कि पीडीसीपी हेडर पीडीसीपी लेयर आपको क्या होता है और क्या क्या उसमें होता है। बाकी इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है।